बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं बटर यानी कि मक्खन के बारे में, किस तरह से मक्खन हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है और हमारी ब्यूटी को भी बढ़ाता है। मक्खन खाने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। मक्खन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और कोमल और चमकदार बनाता है। मक्खन में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। मक्खन खाने से हम एक्टिव, हेल्दी और फिट रहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं मक्खन के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आंखों में जलन होती है तो गाय के दूध के मक्खन को आंखों पर लगाने से आंखों की जलन कम हो जाती है और आंखों को राहत भी मिलती है, इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। मक्खन खाने से बुखार में भी राहत मिलती है। अगर किसी को लंबे समय से बुखार चला आ रहा है तो ऐसे में आप गाय के दूध के मक्खन में थोड़ा सा शहद मिला लें और पेशेंट को दें, इससे लंबे समय से चला आ रहा बुखार में राहत मिलती है। मक्खन थायराइड के पेशेंट के लिए भी बहुत लाभकारी है। मक्खन में विटामिन ए और आयोडीन होता है जो थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसलिए थायराइड के पेशेंट को मक्खन खाना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मक्खन में विटामिन के अलावा, कैल्शियम के अलावा बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं। मक्खन खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इसलिए मक्खन खाना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं उनको भी मक्खन खाना चाहिए क्योंकि इससे उनकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। मक्खन दांतों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर दांतों में दर्द है या दांत कमज़ोर हैं तो भी मक्खन खाया जा सकता है, इससे हमारे मसूड़े भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हमारे दांत मजबूत बनते हैं। मक्खन में फैटी एसिड्स, कॉन्जुलेटेड और लिनोलिक पाया जाता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ही लाभदायक है। जो लोग कैंसर से परेशान हैं या लंबे समय के कैंसर चला आ रहा है वो लोग मक्खन खा सकते हैं, ये उनके कैंसर को क्योर करता है, इसलिए मक्खन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत फैली है और लंबे समय से चली आ रही है। अगर आप पहले से ही मक्खन खा रहे हैं तो आप इस बीमारी को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि मक्खन में कॉन्जुलेटेड फैटी एसिड्स और लिनोलिक पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है, इसलिए बटर हमारे लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। जो लोग छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस लेते हैं और स्ट्रेस से बहुत परेशान हैं, मक्खन उनके लिए बहुत अच्छा है। मक्खन में मौजूद सेलेनियम स्ट्रेस को कम करता है और दिमाग की नसों को अच्छा बनाता है। तो आपको अपनी डाइट में मक्खन खाना चाहिए और स्ट्रेस से बचना चाहिए। मक्खन खाने से दमा भी ठीक हो सकता है। मक्खन में बहुत सारे पौष्टिक गुण होते हैं जो कि लंग्स प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, तो मक्खन खाने से आप दमे से भी बच सकते हैं, इसलिए आप अपने खाने में मक्खन का प्रयोग जरूर करें। मक्खन खाने से पाइल्स भी ठीक हो सकती है। गाय के दूध से बने मक्खन में शहद मिलाकर या तिल मिलाकर या फिर खड़ी शक्कर को मिलाकर खाने से खूनी बवासीर भी ठीक हो सकती है, इसलिए मक्खन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इनफर्टिलिटी होने पर बटर यानी कि मक्खन का सेवन किया जाना चाहिए क्योंकि ये मेल हॉर्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स दोनों को इंक्रीज करता है। लोगों का मानना है कि मक्खन खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन वो नहीं जानते कि मक्खन में लेसिथिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल और फैट का समावेश करता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है जिससे फैट टूट जाता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस तरह से मक्खन बॉडी को एनर्जी देता है और वेट को भी कम करता है।
तो इसलिए मक्खन खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हेल्प हर तरह से करता है, बॉडी के वेट को भी कम करता है, हमें एनर्जी भी देता है और हमें हेल्दी और फिट भी बना के रखता है। तो ये सारे थे बटर के फ़ायदे, किस तरह से बटर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और आपकी ब्यूटी को भी बढ़ाता है, किस तरह से ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखता है, हमें एनर्जी देता है। ऐसी ही और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपसे करनी है। और यू इफ यू लाइक माय फैशन मेकअप एंड हेयर बॉक्स चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।